हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ बिहार यूपी साइड के स्टाइल में जो दलपिट्ठी बनाते हैं उसकी रेसिपी, और कितने लोग इसे दाल ढोकली भी कहते हैं और हमारे यहाँ इसे कहते हैं दलपिट्ठी। और ये मैं बना रही हूँ अरहर की दाल में। तो यहाँ मैंने अरहर की दाल धो दी है और इसमें नमक हल्दी डाल दिया है, और अब इसमें हम लगाएंगे सीटी। अब मैंने कुकर बिठा दिया गैस पे, और यहाँ देख सकते हैं गाइस, लंच वंच टिफ़िन सब धो दिए हैं और रसोई साफ़ कर ली है अच्छे से मैंने, क्योंकि शाम का जो काम होता है वो कर लिया है। तो यहाँ देख सकते हैं दाल में सीटी लग जाए। तो गैस मैंने यहाँ लगा लिया आटा, नमक और ये दाल भी उबल चुकी है, बहुत अच्छी लग रही है। और अब इसमें मैं डाल दूँगी पानी, क्योंकि पानी डाल के इसे उबालने के लिए बिठाना पड़ता है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से थोड़ा पानी डाल दीजिए और फिर वापस से भेज के रख देंगे इसे। इस शेप की हम सारे बनाएंगे। तो गैस देख सकते हैं ये दाल में उबाल आ गया है, और इस दाल में हम डालेंगे इसको। तो मैं इसे दाल में डाल देती हूँ और फिर इसे अच्छे से पकने देंगे। तो इसको कहते हैं क्या, देख सकते हैं मैं। तो गाइस यहाँ चले गई है लाइट, और ये इन्वर्टर से चल रही है हमारी लाइट लाइट जा। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें डाल दिया, मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसे खूब अच्छे से पकने देंगे। तब हम इसमें लहसुन और खड़ी लाल मिर्च जीरे का छौंक लगाएंगे। तो अभी हम इसे पकने देते हैं खूब अच्छे से दाल में। तो वैसे आप लोग रोज रोटी सब्जी दाल चावल खा के थक जाए, तो ये अच्छा बेस्ट है, मतलब इसे बहुत ही अच्छी डिश है। इसे बना के आप घर पे ट्राई जरूर करना, और इसके साथ में आम का अचार, पापड़ और हरी चटनी, बहुत ही टेस्टी लगता है। फिर खाइए आप, तो बहुत ही ज्यादा स्वाद आएगा आपको, और फिर आप उंगलियां चाटते जाओगे और बोलोगे क्या डिश थी हमें बनाते हैं। वैसे कितने लोग इसे काली दाल में भी बनाते हैं दाल ढोकली को, और हमारे यहाँ हमारे यूपी बिहार में बनता है पीली दाल में। तो मैंने बनाया इसे पीली दाल में, अरहर की दाल जैसे बोलते हैं। तो इसे तो गाइस ये देख सकते हैं ये रेडी हो गया, और इसके छौंक के लिए मैं ये तैयार कर रही हूँ। इसमें है अदरक लहसुन और जीरा और लाल मिर्च। तो इसे मैं बहुत मीठे मीठे आंच पे पका रही हूँ। देख सकते हैं कितना अच्छा इसमें छौंक लग गया है। अब इसे सर्व करेंगे।